हेलो दोस्तों, फिर से आपके सामने एक वीडियो लेकर आया हूँ G40, 41 और 42 के बारे में। टर्निंग सेंटर के ऊपर G40, 41, 42 के बगैर एक्यूरेट कंपोनेंट को बनाना इम्पोसिबल है। तो उसके लिए मैं एक वीडियो लाया हूँ और बहुत इजी है यूज करना, आपको बहुत अच्छा लगेगा देख के कि 41, 42 कितना इजी है यूज करना। लड़के डरते हैं मशीन पर लगाने से G41, 42, क्योंकि उनको अंदेशा रहता है मशीन या तो अलार्म देगी या फिर कुछ एक्सीडेंट वगैरह कुछ हो सकता है। तो उसको अवॉइड करने के लिए मैं एक आपको बहुत अच्छा सा एक्सप्लेन करूंगा कि 41, 42 और G40 कैसे यूज करना है। बहुत सिंपल तरीका है। उसके लिए अपन को तीन चीजों की जरूरत पड़ती है। सबसे पहला, ऑफसेट के अंदर आप देख रहे हो 1, 2, 3, 4 नंबर टूल नंबर है, X, Z, R और T। जब G41, 42 यूज करेंगे तो R और T बहुत जरूरी है, इनको मैनेज करना, इनमें वैल्यू डालना। 2, 3, 2, 8, 6 टूल टाइप है, इमेजिनरी टूल टाइप है। अगर यहां से सेलेक्ट करना है अपना कौन से टूल किस पोजीशन पे माउंट है मशीन के ऊपर, तीन मैक्सिमम अपने पास 2, 3, 8, 6 और 7 नंबर टूल चलते हैं टर्निंग के ऊपर। कब? जब अपने पास सिंगल स्पिंडल मशीन है। अगर डबल स्पिंडल मशीन हो तो 4, 5, 1 ये भी काम आएंगे। सिंगल स्पिंडल मशीन में मैं इधर से कंपोनेंट को क्लेम कर रहा हूं, यहां रेस्ट कर रहा हूं, तब अपने ये प्रोग्राम बनाएंगे तो किस तरह से अपन को यूज करना है इनका, वो तरीका बताऊंगा आपको। तो G41, 42 और G40 इनका यूज करना है ताकि अपने रेडियस, चैम्फर और जो प्रोफाइल कटिंग है वो बिल्कुल एक्यूरेट बने। इंसर्ट नोज रेडियस इंसर्ट का अपन को यहां डालना है, जितने भी नोज रेडियस की इंसर्ट है उसका नोज रेडियस यहां डालना है। बशर्ते कि ध्यान रहे कि ऑफसेट में अपन ने 0.8 यूज किया तो 0.8 की नोज रेडियस की इंसर्ट होनी चाहिए, 0.4 यूज किया तो 0.4 का नोज रेडियस होना चाहिए। एक दो ये दो चीजें अपडेट होनी चाहिए मशीन के ऊपर जब अपन 41, 42 यूज करेंगे। अब मेरे पास 8 पोजीशन है टूल को सेट करने की, इमेजिनरी टूल पोजीशन टूल टाइप है 8। अपने पास सिंपल टर्निंग चलते हैं तो अगर मैं टूल बनाता हूं ये इस टाइप का, ये टूल नंबर है मेरा 3, जिससे मैं ऐसे फेस कर सकता हूं या ऑडी टर्निंग कर सकता हूं। अब देखने वाली बात है कि 41, 42 कहां कहां यूज होगा। G41 है, G41 कमांड है टूल नोज रेडियस, कंपनसेशन लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड कंपनसेशन है G41। लेफ्ट साइड का मतलब ये है कि टूल अपना लेफ्ट साइड में होना चाहिए। जब मैं इसमें बोरिंग बार चला रहा हूं, ये बोरिंग बार मैं चला रहा हूं इसके अंदर, तो ये टूल अपना लेफ्ट साइड है, इधर से मैं फीड कर रहा हूं टूल को, तो टूल अपना लेफ्ट साइड हो गया और मेटेरियल कटिंग मेटेरियल है राइट साइड में, तो यहां G41 एक्टिव होगा। G41 यहां एक्टिव होगा, टूल पोजीशन नंबर आएगी 2, दो नंबर टूल पोजीशन G41 और रेडियस जो ये डाली हुई है इंसर्ट के ऊपर R.8, वो टूल रेडियस यहां कंपनसेट यहां दिखानी जरूरी है। तो तीन चीजों का कॉम्बिनेशन है R, T R T 0.8 की रेडियस,
दो नंबर टूल और G41। तो ही अपने रेडियस जो चैम्फर डालेंगे या रेडियस लगाएंगे कंपोनेंट के ऊपर, वो बिल्कुल परफेक्ट आएगी विद इन माइक्रोन्स के अंदर। अगर मैं इस टूल को सीधा लेके जा रहा हूं तो ये 41 यूज हो रहा है इस पाथ में। अगर मैं इसी टूल को अंदर से बाहर की ओर लेकर आऊंगा, इसी टूल को, तो यहां G42 एक्टिव हो जाएगा क्योंकि टूल मेरा राइट साइड में हो जाएगा और मटेरियल लेफ्ट साइड में, इसलिए G42 यहां एक्टिव हो जाएगा। 41 के लिए कंडीशन है कि आपका टूल लेफ्ट साइड में होना चाहिए, कटिंग मटेरियल अपोजिट डायरेक्शन में। 41 लेफ्ट साइड के लिए यूज है। 42 जैसे ही मैं वापस आता हूं तो G42 एक्टिव हो जाएगा। तो यहां से वापस लेने के लिए G42 एक्टिव करना पड़ेगा। कई केसों में जब हम बैक बोरिंग करते हैं, स्टेप टर्निंग बैक बोरिंग में है, तो G42 यूज करते हैं अंदर से बाहर की ओर टूल को लेके जाते हैं। ये हुई G41 की बात। अब मैं करता हूं G42 और भी अच्छी तरह से एक्सप्लेन करना करेंगे। आप पूरा वीडियो देखें, सब चीज आपको समझ में आएगी। G42 है टूल नोज रेडियस। कंपनसेशन राइट साइड, राइट साइड कंपनसेशन है G42। जब मैं टूल ऐसे लेकर चल रहा हूं इस पाथ में, इस टूल को मैं यहां से इस पाथ में लेकर चल रहा हूं सीधा टर्निंग के लिए, तो राइट साइड में टूल हो गया अपना, टूल है राइट साइड में, मटेरियल है लेफ्ट साइड में, तो यहां G42 एक्टिव होगा। अच्छी तरह से समझना, ध्यान देके, यहां से जब चल रहा हूं तो G42 है इस डायरेक्शन में क्योंकि टूल अपना राइट साइड में और मटेरियल लेफ्ट साइड में कटिंग हो रहा है। टूल की पोजीशन देखनी है अपन को, टूल किस कंडीशन में, राइट साइड में या लेफ्ट साइड में, उसी से अपन समझ पाएंगे कि G41 लगाना है या 42। अगर आपने 42 की जगह 41 लगा दिया तो कंपोनेंट कुछ का कुछ ही कटेगा, मशीन एक्सीडेंट भी कर सकती है, उसका अपन को विशेष ध्यान रखना है लेफ्ट और राइट का। इतना ही है, कोई ज्यादा बड़ी चीज नहीं है। अगर मैं इसी टर्निंग टूल को वापिस लेकर आऊं, इधर से इस डायरेक्शन में लेकर आऊं, तो G41 एक्टिव हो जाएगा। इस डायरेक्शन में G42 है और इस डायरेक्शन में G41 एक्टिव हो जाएगा। डायरेक्शन देखनी है, जैसे अपना ये कटिंग करा और ऊपर गए बाहर निकले तो उससे पहले G40 देना जरूरी है। टूल नोज रेडियस कैंसिल, कंपनसेशन कैंसल, टूल नोज रेडियस कंपनसेशन कैंसिल करना जरूरी है जब अपना काम होता है। दूसरे डायरेक्शन में टूल मूवमेंट होते ही वो कैंसिल मांगेगा, तो G40 देना जरूरी है। अदरवाइज वो G42 में चल रहा है तो डायरेक्शन चेंज होते ही G41 एक्टिव हो जाएगा। उस एक्टिवेशन को खत्म करने के लिए अपने पास G40, G41, 42 और G40 समझना जरूरी है। आगे मैं एग्जाम्पल बताता हूं आपका। ये मिटाता हूं, अब मेरा केस है ये इनर साइड में, मेरे को ये रेडियस ग्रुप काटना है। इमेजिनरी टूल टाइप कितना लगेगा, 6 नंबर, नीचे से ऊपर की ओर है, 6 नंबर टूल टाइप लगेगा। टूल इमेजिनरी टूल टाइप से टरेट के अंदर जो भी टूल लगे उनका कोई लेना देना नहीं है, वो अलग चीज है। ये इमेजिनरी टूल टाइप है, ये सिर्फ
किस तरह से आपने माउंट कर रखा उसकी पोजीशन को बताता है। तो टूल आप 8 तरह से ही माउंट कर सकते हो, टरेट के ऊपर या कोई स्लॉट वाले मशीन पे भी 8 तरीके से ही माउंट कर सकते हो। तो उनमें से 8 पोजीशन में से कौन सा पोजीशन टूल को ऊपर एक्टिव होगा वो अपन को डिफाइन करना है, और उस पोजीशन को अपन को ऑफसेट के पेज में डालना जरूरी है ज्योमेट्री ऑफसेट के अंदर। यहाँ 6 नंबर टूल लगेगा। अब इधर से डायरेक्शन किधर से काट रहा हूं मैं उसके ऊपर डिपेंड करता है 41 42। लेट्स से मेरा टूल पाथ ये चल रहा है इस तरह से, तो यहां अपनी पोजीशन फिर 41 में आ जाती है G41, क्योंकि टूल मेरा लेफ्ट साइड है इस हाथ पर और मेटेरियल राइट साइड पर। अगर मैं टूल पाथ इधर से लेता हूं इस डायरेक्शन में लेता हूं तो टूल मेरा हो गया लेफ्ट साइड में, मेटल राइट साइड में, तो यहां G42 हो गया। सिर्फ कटिंग डायरेक्शन में ही अपना 41 42 का कंसेप्ट है, खेल है, उसको समझना आपको बहुत जरूरी है। गलती नहीं करनी, बस देखना है कि लेफ्ट में पोजीशन टूल है या राइट में पोजीशन में टूल है। इस जैसे कि मैं इसके ऊपर देखता हूं मेरे को ये रेडियस कटिंग करनी, तो टूल कैसा होगा न्यूट्रल टाइप का, इस केस में भी, इस केस में भी न्यूट्रल टूल ही होगा जिसका एंगल इस एक्सिस के ऊपर होगा, जीरो एक्सिस के ऊपर। ये न्यूट्रल टूल कहलाता है, इसी से ही ये प्रोफाइल कटेगी या ये कटेगी या फिर ये कटेगी। वर्टिकल टूल है, अपने पास 8 नंबर पोजीशन है, यहां टूल टाइप लगेगा 8 नंबर, फिर वही कटिंग डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड करेगा 41 42। अगर मैं इधर से ये पाथ निकालता हूं इस तरह से तो लगेगा G42। अगर मैं इधर से पास निकालता हूं इस डायरेक्शन में G41 एक्टिव हो जाएगा। सिर्फ डायरेक्शन देखनी है कि टूल अपना किस पोजीशन में, लेफ्ट में है या राइट में है, उसी वही है G41 42। इस केस में भी अगर मैं ऐसे देखता हूं, ऐसे टूल को मूवमेंट दे रहा हूं इधर से ऐसे, अगर मैं ऐसे मूवमेंट दे रहा हूं तो टूल का है अपना राइट साइड G42। अगर मैं ऐसे देता हूं तो G41। रेडियस जो आएगी वो प्रोग्राम के अंदर आएगी, रेडियस यहां का जो टूल ऑफसेट के अंदर रेडियस है वो इंसर्ट का नॉज रेडियस ही डलेगा, और इमेजिनरी टूल टाइप इनमें से कोई एक होगा एक एक टूल के लिए। बहुत इजी है 41 42 लगाना, इसका पाथ खत्म होने के बाद, कटिंग होने के बाद G40 डालना आवश्यक है ताकि कोई मशीन मिस बिहेव या मैसेज ना दे, अलार्म ना दे। और एक्सप्लेन करने के मैं छोटा सा स्केच बढ़ाता हूं और अच्छे समझ में आ जाएगी। इस पे कटिंग चल रही है, डायरेक्शन ये G42। अगर मैं स्केच को पूरा करता हूं नीचे डायरेक्शन में भी, अगर मैं टूल नीचे एक्स के माइनस एक्सिस में चल रहा हूं इस तरह से G41, ओडी अगर मैं ऊपर से निकाल रहा हूं और ऐसे चल रहा हूं तो G42, नीचे से चला रहा हूं टूल को जैसे कि स्लाइड बेडों पे होता है जहां पे टूल माउंट होते टरेट नहीं होता, वहां पे माइनस साइज में भी अपन एक्स माइनस में भी ऑडी टर्न कर लेते हैं तो वह उस केस में G41 यहां लग जाएगा। तो समझने का थोड़ा सा फर्क है 41 42 कहां लगाना, कैसे लगाना।
बस एक बार डालोगे, बार बार यूज करोगे, प्रैक्टिस में लाओगे तो कंपोनेंट बिल्कुल एक्यूरेट बनेगा। और कोई चीज समझ में नहीं आती कमेंट्स में लिखे आप, वो भी मैं आपको बताऊंगा। किसी को कोई डाउटफुल चीज रहती है, फिर अपन नेक्स्ट वीडियो पे चलेंगे। आज के लिए इतना ही काफी है। थैंक यू।